इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन के हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। वो जो मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं ये क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन समझाए थे और मैंने बोला था बाकी बचे हुए आप घर पे जरूर करना। ठीक है सर, अब आप मेरे को ये बताएंगे कि जो ये इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन में किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, बच्चा बोल रहा था, अक्षिता ने बताया, सॉरी, और अक्षिता ने बताया कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आता है, तो अक्षिता कौन सा नहीं आता है वो बताइए, मैं फटाफट से आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 34 है बेटा और इसका मैं सॉल्यूशन यहां पर करवा रहा हूं। जिस बच्चे ने कर दिया है बहुत अच्छी बात है, और जिस बच्चे से नहीं हुआ है वो जरूर देखेंगे और समझेंगे वापस से कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है। मैं सबसे पहले इसकी सिचुएशन पढ़ रहा हूँ बेटा, पहले एक क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर रहा हूं, उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ वो देखता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग। मतलब हमें क्या करना है, इश्यू ऑफ डिबेंचर की कुछ एंट्रीज करनी है, कुछ अलग अलग हमें सिचुएशन दे रखी है। फर्स्ट सिचुएशन दे रखी है बेटा, इश्यूड ₹28,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 15% एंड रिडेमेबल एट पार। बस मेरे को यही समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन कैसे नहीं होता है और क्यों नहीं होता, रीजन समझ में नहीं आता। देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया बेटा कि हमारी जो क्वेश्चन में जो फेस वैल्यू है वो 100 है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि जो फेस वैल्यू है डिबेंचर है वो कितने रुपए वाले हैं, तो 100 वाले हैं। इश्यू जो हो रहा है बेटा वो कैसे हो रहे हैं, तो 15% प्रीमियम पे हो रहा है, और रिडेमेबल ऐसे कैसे हो रहे हैं, तो एट पार पे हो रहे हैं। फेस वैल्यू कितनी है तो 100 है, इश्यू जो हो रहे हैं वो 115 में हो रहे हैं क्योंकि 15% प्रीमियम में मैंने लिख लिया है, और जो रिडेमेबल है या जो रिडेम्पशन होने वाला है वो एट पार पे होने वाले हैं, मतलब 100 में होने वाला है। बोले हाँ सर। अब आप बताइए बेटा कि आपको क्या एंट्री नहीं आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी इश्यू की एंट्री बताइए, अब सर ये इश्यू की एंट्री हमें इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम एंट्री तो करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हम एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन सर क्या है कि वो फिगर निकालना नहीं आता है। अच्छा, देखिए फिगर निकालना है, बता दो। अरे क्या फिगर निकालना नहीं आता है, क्या किस वजह से नहीं आता वो सोचिए आप खाली एक बार, क्योंकि आप बराबर से शायद क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। मैं मेरी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, इश्यूड ₹28,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। पहली बात तो ये जो रुपीज है ये डिबेंचर के रुपीज ही है, ये इसकी फेस वैल्यू है, मतलब आप जो इश्यू कर रहे हैं डिबेंचर वो कितने रुपए के डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो ₹28,000 के डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, ना कि ₹28,000 में डिबेंचर इश्यू करते हैं। दो चीजें होती हैं कि मेरे पास ये पेन है, ये पेन मेरी ₹10 की है, लेकिन मैं जो उसको दे रहा हूं या उसको मैं सेल कर रहा हूं वो अलग हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेम टू सेम सिचुएशन डिबेंचर में, कि आप जो डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं बेटा उसकी जो फेस वैल्यू है वो 28,000 है, और एक डिबेंचर जो है वो 100 का है। देखो पहले तरीका तो ये समझिए कि आप कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, आप सोचिए खाली, ₹28,000 के आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, आप सोचो खाली कि ₹28,000 के अगर मैं डिबेंचर इश्यू करती हूँ और एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो आपने कितने डिबेंचर इश्यू किए, तो आपने 280 डिबेंचर इश्यू किए, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये नंबर ऑफ डिबेंचर है बेटा। ये मैंने कैसे निकाला, मेरा निकालने का तरीका दी कि आप कितने रुपए के डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, सर हम ₹28,000 के डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं और एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो कितना है, सर 100 है। अब उसको 100 में करना है कि नहीं करना वो एक अलग बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इश्यू किए होंगे, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि कितने रुपए के किए, बोले सर 28,000 के, और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, तो 100 है। मैं आपसे पूछता हूँ सर मैंने 5 सैंडविच खाए, बोले अच्छा, मैंने पूछा कितने रुपए के थे, तो सर बोले ₹200 के थे। अब ₹200 के और मैं आपसे बोलता हूं कि आपने नंबर ऑफ डिबेंचर कितने खाए, तो मैं आपसे पूछूंगी कि 5 खाए, तो आप उसका फेस वैल्यू निकाल सकते हैं, अरे सर हाँ निकाल सकते हैं, तो क्या हम इसका जस्ट ऑपोजिट इसकी फेस वैल्यू की जगह हम क्या नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं निकाल सकते क्या। मैंने आपसे पूछा कि भाई आपने 200 के सैंडविच खाए और एक सैंडविच का कितना प्राइस है, तो आपने बोला सर ₹40 है, तो आपने नंबर ऑफ सैंडविच आपने जो खाए है वो कितने का है, सर 5 का है, तो बेटा नंबर ऑफ सैंडविच भी निकाल सकते हैं और इस सैंडविच की फेस वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए इंफॉर्मेशन हमारे पास ये क्या थी,
हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी कि भी हमने 28,000 रुपीज के 28,000 रुपीज के डिबेंचर इश्यू किए, बोले हाँ सर, और 28,000 रुपीज के जो डिबेंचर इश्यू किए हैं और उस एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है बेटा वो 100 है, तो बताइए क्या 280 डिबेंचर इश्यू किए कि नहीं किए? बोले किए सर। अब इश्यू किए वो कितने परसेंट प्रीमियम पे किए सर? 15% प्रीमियम पे किए, और रिडेम्पशन होने वाले वो कैसे होने वाले? पार पे होने वाले। तो क्या दिक्कत है यार, आपने बताइए नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है सर? 280। और बताइए इसको मल्टीपल जब मैं करूंगा तो एप्लीकेशन मनी कौन सी होगी? बताइए, हमने हमने आपसे पूछा था बेटा फेस वैल्यू सर 100, प्रीमियम क्या होता है इसमें सर? ऐड होता है प्रीमियम 15%, मतलब 100 का 15% 15 ही होता है, और जो प्रीमियम ऐड करने के बाद में जो इसकी इश्यूड प्राइस आती है। और मैंने बोला बेटा कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारी लमसम कंडीशन में कर रहे हैं, मतलब जितने हमें 115 रुपीज लेने हैं वो सारे के किसके ऊपर लेने हैं बेटा? एप्लीकेशन के ऊपर लेने हैं। तो इसको मल्टीपल मैं किससे करूंगा बेटा? 115 से करूंगा। अरे मैंने बताया कि नहीं बताया बेटा? ये सारी सिचुएशन में बता चुका हूं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो, और अगर ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है आपको कोई समस्या आई हो। अरे ये एप्लीकेशन मनी सबको समझ में आई कि कैसे आई बेटा? 115 कैसे आया? 280 मल्टीपल 115 सर। दूसरा कोई तरीका? दूसरा तरीका मैंने बताया था बेटा और लिख के कि भाई जिसकी फेस वैल्यू अगर 28,000 है, आपको पता ही चल गया है कि इसकी रुपीज 28,000 है, तो वो इश्यू कितने परसेंट प्रीमियम पे होने वाले हैं? तो इश्यू 15% प्रीमियम पे होने वाले हैं। तो आप क्या करो, 28,000 का 15% प्रीमियम निकाल दीजिए डायरेक्ट, और उसे प्लस करके इसको क्या कर दीजिए? इश्यू कर दीजिए। तो देखो कितना आएगा, 15 × 0 सर 0, 15 × 8 सर 120, 15 × 2 30, 30 + 12 42, मतलब आप 4,200 के प्रीमियम के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, इन डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं, मतलब आपकी फेस वैल्यू 28,000 है और इसमें 4,200 प्लस करेंगे तो मेरे हिसाब से 32,200 में आप डिबेंचर इश्यू करेंगे। यहां लिखना बेटा कि जो आप इश्यू कर रहे हैं वो कितने में कर रहे हैं? 32,200 में, और जो उसका रिडेम्पशन करने वाले हैं वो प्रीमियम पे नहीं होने वाला है, रिडेम्पशन वापस से पार पे होने वाला है। मैंने आपको ये दोनों सिचुएशन बताई थी आप लोगों को, अगर याद होगा तो। आप इसको और इसको मल्टीपल करेंगे बेटा तो आपके पास कितना आएगा? तो वो आएगा 32,200, 3,200, 32,200, ये फिगर आप मल्टीपल करके देख सकते हैं। बोले पक्का सर? अरे 100%। अगर आप 115 को किससे मल्टीपल करेंगे बेटा? 25 से करेंगे, ये 115 है, इसको मल्टीपल करते हैं अपन 28 से। देखिए आप 28 का मतलब जीरो में बाद में लगा दूंगा, अब सीधा 28 को 5 से मल्टीपल करते हैं, कितना होता है बेटा 28 × 5 कितना होता है? तो ये हो गया 40, और 10 और 4 14, मतलब 140। जीरो कैरी कितने की? 14, और 18 + 28 = 28 and 28 + 14 = 42। यस सर 42, 42 का 2 और कैरी कितना करेंगे? तो 4 करेंगे सर। और सर अगर आप 14 को, सॉरी वापस से 28 को मल्टीपल 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 28 × 1 = 21, और 28 + 4 = 32। और बेटा एक जीरो जो हमने नहीं लगाया था वो मैंने यहां पर लगा दिया, आप चेक कर सकते हैं फिगर वापस से कितना आया, 32,200 ही आया है। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बताया आपने। अरे मैंने दोनों तरीके बताया बेटा, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये दोनों तरीके कब काम आते हैं बेटा? जब आपको डिबेंचर की फेस वैल्यू रुपीज में दे रखी हो। बोले हाँ सर समझ में आ गया। और जब आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल देते हैं बेटा तो आप उसको मल्टीपल करेंगे। बोले यस सर। तो पहली एंट्री तो सर हमने बता दी, और अब ये निकालना आ गया तो अब आगे तो कुछ है ही नहीं बेटा। मैंने बताया था ये फ्यूचर का जब लॉस होता है तो थोड़ा ध्यान रखना है। सर फ्यूचर का लॉस कौन सा ये मैं बता दूं, मतलब जिसको रिडेम्पशन फ्यूचर में कितने में करना है? 28,000 में करना है। इसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 28,000, और रिडेम्पशन भी फ्यूचर में कितने में करना है? 28 में करना है। तो कहां दिक्कत है बेटा? जिसकी फेस वैल्यू 100 है, फ्यूचर में रिडेम्पशन भी कितने में होने वाला है? सर 100 में ही होने वाला है। तो कहां प्रॉब्लम है बेटा? प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम क्या करते हैं, हम इसका रिडेम्पशन प्रीमियम पे करते हैं, और वो हो सकता है अगली कंडीशन में आ भी सकता है। इसको से ट्रांसफर करिए ना आप, ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 32,200। और टू डिबेंचर अकाउंट मैंने बताया था बेटा हमेशा फेस वैल्यू जाएगी। बोला हाँ से जाएगी टू डिबेंचर अकाउंट। ये फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है सर? अरे फेस वैल्यू 28,000 है, और टू रिमेनिंग किस में जाएगा? तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा सर। कितना जाएगा? 4,200। अरे अक्षिता क्या प्रॉब्लम आई बेटा बताइए ना।
बेटा ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कम है, मैंने आपको ही बताया, अभी इंपॉर्टेंट बताता हूँ। देखो इसमें अगर नेक्स्ट कंडीशन जो अगर प्रीमियम पे होगी तो वो इंपॉर्टेंट होगी। देखो बी वाला पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर, मैं इसका ही 34 का बी पढ़ता हूँ। इश्यूड रुपीज 30,000, 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100। अब आप बताइए इसकी फेस वैल्यू दे दी 30,000 और एक डिबेंचर कितने का 100 का है। आप खुद ही सोचो बेटा कि 30,000 रुपीज के डिबेंचर है और एक डिबेंचर कितने का है, 100 का है, तो बताइए आपने कितने डिबेंचर इश्यू किए। तो 300 डिबेंचर इश्यू किए बेटा, कितना इजी है। और अगर ये 300 नहीं निकाले तो 30,000 फेस वैल्यू लिख लो आप। अरे आप इसको इश्यू कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं, और जो रिडेमेबल होगा वो भी क्या होगा, प्रीमियम पे होगा, वो भी 15%। देखो ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, मैं ये करवा देता हूँ, उसके बाद में मैं मेरा न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा। बोले चलेगा सर, इसको मैं आपको सेकंड सिचुएशन को कराता हूँ मेरी स्क्रीन पे। सिचुएशन क्या है वो भी देख लीजिए आप। सिचुएशन है बेटा कि हमने क्या किया है, हमने 30,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर इश्यू किए जिसकी 100 रुपीज फेस वैल्यू ईच थी। तो फेस वैल्यू हम लिख लेते हैं 100। जो इश्यू कर रहे हैं हम, वो इश्यू कैसे कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। जो इश्यू कर रहे हैं बेटा वो प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब हम 110 में कर रहे हैं इश्यू। बोले हाँ सर, लेकिन इस बार जो रिडेम्पशन जो कर रहे हैं हम, ये रिडेम्पशन का ही मेन मैं इसको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर रिडेम्पशन क्या होता है, प्रीमियम पे होता है, तो बस वही ध्यान रखना। और बोला गया जो रिडेम्पशन होने वाला है वो 15% प्रीमियम पे होने वाला है। तो 15% प्रीमियम का मतलब क्या होगा, आप जो वो डिबेंचर 100 के बदले में कितना पे करना पड़ेगा, 115 पे करना पड़ेगा। क्या 15 रुपीज का लॉस होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अरे रिडेम्पशन भले आपको फ्यूचर में हो, रिडेम्पशन 5 साल के बाद में हो, 10 साल के बाद में हो, लेकिन जब भी रिडेम्पशन होगा तो क्या आपको लॉस होगा कि नहीं होगा। बोले लॉस तो होगा सर। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने आपको एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझाया था कि मैंने बोला फ्यूचर के जो लॉसेस होते हैं अगर उसका पता हमें अभी चल जाता है तो उसका अकाउंटिंग हमें अभी कर देना चाहिए। बोले हाँ सर बताया था आपने, करता हूं मैं इसकी एंट्री। बहुत सिंपल है यार, आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो सर नंबर ऑफ डिबेंचर मैं निकाल के बता चुका हूं, वापस से बता देता हूं। 30,000 की फेस वैल्यू है और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितना, 100 है, तो आप कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं सर, 300। मैं वापस से इसका फेस वैल्यू भी लिख लेता हूं, फेस वैल्यू 100 है। प्रीमियम हमेशा क्या होता है बेटा, एड होता है 10 रुपीज, तो हम इसका इश्यू प्राइस कितना बेटा, 110 है। मैं इसकी एंट्री करता हूँ, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर फिगर कैसे निकलता है सर, अरे बेटा मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। बोले हाँ सर बताया आपने, तो एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई होगी। अरे एप्लीकेशन रिसीव होने का मतलब हमने अगर 300 डिबेंचर इश्यू किए तो एप्लीकेशन रिसीव भी हमें कितनी हुई होगी सर, 300 ही रिसीव हुई होगी, 300 और मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी, और सर एप्लीकेशन मनी कितनी, ये 110। बेटा ये आप अगर नहीं करो, अगर मेरी आप बात मानो और ये आप नहीं करो, अगर ये तो मान लीजिए आ जाएगा 33,000। देखो कितना आ जाएगा, 33,000। मैं इसकी दूसरी एंट्री भी करके बताता हूँ, इसी की दूसरी एंट्री। अगर मान लीजिए आप इसको मल्टीपल नहीं करते और सीधा आप करते हैं, ये फिगर कैसे निकलता है। देखो अगर मैं मान लीजिए ऐसे करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब अगर मैं इसका ये सीधा फिगर कैसे निकालता हूँ वो देखना, मैं हर बार बताता हूँ, हर बार आपको ध्यान रखना, ये आपको तकलीफ देखनी नहीं पड़ेगी। देखो आप पहले पढ़ लो कि कहीं रुपीज तो नहीं है, अरे सर रुपीज ही तो है, रुपीज नहीं, क्या 30,000 डिबेंचर नहीं है बेटा, 30,000 रुपीज की डिबेंचर है। बोले अच्छा अच्छा सर, और जो कि 30,000 के जो डिबेंचर है वो इश्यू होने वाले हैं, वो 10% प्रीमियम पे होने वाले। आप देखना 30,000 के डिबेंचर है, ये इसकी फेस वैल्यू है, और जो इश्यू होने वाले हैं वो 10% प्रीमियम पे होने वाले हैं। बताइए 30 का 10% कितना आएगा सर, 3,000 आएगा। तो हम जो इसको इश्यू करेंगे बेटा वो 30,000 तो फेस वैल्यू प्लस 3,000 प्रीमियम, मतलब हम इसको इश्यू कितने में करेंगे बेटा, 33,000 में करेंगे। तो ये इश्यू प्राइस तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, कहाँ आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा, कहाँ आपको कुछ तकलीफ देखनी पड़ेगी। सीधा जिसकी फेस वैल्यू 30,000 है, अब वो बोल रहा है कि इसको जो इश्यू करूंगा वो 10% प्रीमियम पे करूंगा, तो आप खुद भी समझदार है यार कि सर 33,000 में होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बेटा बोलिए। दूसरी बात बोले सर, जो रिडेम्पशन होना वो प्रीमियम पे होने वाला है, 30,000 के जो डिबेंचर है उसका रिडेम्पशन 15% प्रीमियम पे होना है, तो वो कितने परसेंट प्रीमियम पे, कितने रुपए प्रीमियम पे होने वाला है सर, 4,500 रुपीज का लॉस होने वाला है। तो सर इसका मतलब ये हम जो रिडेम्पशन करेंगे वो 34,500 में करेंगे। हाँ बेटा रिडेम्पशन हम कितने में करेंगे, 34,500, वो भी मैं आपको कैलकुलेशन बाद में बता दूंगा, पहले मैं इसकी एंट्री कंप्लीट करता हूँ। अरे उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये दोनों चीजें पता चल गई होगी, आपको ज्यादा घुमा के नहीं बताना है। मेरा सीधा शॉर्टकट बताने का तरीका ये है कि आपको सीधी उसमें फेस वैल्यू दे रखी 30,000, और वो अगर 10% प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हैं तो आपको इश्यू प्राइस तो डायरेक्ट ही पता चल जाती है बेटा, 30,000 रुपीज में प्लस कर दीजिए
10% तो 33,000, तो ये आ गया इश्यू प्राइस में, कहां दिक्कत है यार, इसको इतना कहां करना है। बोले ठीक है सर, ये तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल एप्लीकेशन मनी। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं चला, यहाँ पर किसी बच्चे ने गलती से क्या कर दिया, 30,000 मल्टीपल 110 कर दिया, अरे वो उसका बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा बेटा। ये 30,000 जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो 30,000 रुपीज है बेटा, ना कि डिबेंचर है। ये 30,000 क्या है, रुपीज है, रुपीज को 110 से मल्टीपल नहीं करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर को मल्टीपल करना होता। बस मैं ये बार बार थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ कि बस ऐसा गलती मत कर देना। बोले ठीक है सर, रुपीज दे रखे हैं तो इसका मतलब इसको नंबर ऑफ डिबेंचर में या तो कन्वर्ट करो और फिर मल्टीपल करो एप्लीकेशन मनी से, और अदरवाइज सीधा उसी को आप इश्यू प्राइस बना के उसका जो प्रीमियम है उसमें ऐड करके आप इश्यू बना सकता है, इश्यू कर सकते हैं। बोले ठीक है सर। सेकंड एंट्री क्या होती है बेटा, मैं ये इंपॉर्टेंट एंट्री को देखो आप, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर 33,000 जितने से आपने क्रेडिट किया है उतने से मैंने डेबिट कर दिया। बोले हाँ सर। अब जो आपने डेबिट किया, मैं मानता हूं कि आपने डेबिट किया डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 33,000, उसके बाद में मैंने बताया था बेटा कि टू डिबेंचर अकाउंट। बोले हाँ सर बताया था आपने। तो सर टू डिबेंचर अकाउंट में तो आपने बताया था हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो फेस वैल्यू जाएगी जिसकी फेस वैल्यू मैंने अभी आपको बताया इस क्वेश्चन में दे रखी है 30,000 है। बोले हाँ सर। और इसमें टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया सर? सर सिक्योरिटी प्रीमियम जो आया मेरे आया वो 3,000 आया। हाँ बेटा आया। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताता हूँ। जब आपको ये फ्यूचर में जो 15 रुपीज का लॉस होने वाला है उसको परसेंट में दिखाना पड़ता है। सर कैसे दिखाएंगे? अरे ये जो लॉस है उसको दिखाइए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। लेकिन 15 रुपीज किसके ऊपर? अरे हमने टोटल डिबेंचर कितने इश्यू किए, 300, और 300 को मल्टीपल करेंगे 1500। और मैंने आपको इसका दूसरा तरीका निकाल के बताया था, मैंने बताया था डिबेंचर कितने के, 30,000 के, उसका 15% प्रीमियम पे अगर रिडेम्पशन होने वाला है तो 30,000 का 15% भी कितना आता है, 4500 ही आता है। बोले हाँ सर समझ आ गया। तो ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर किसके ऊपर है बेटा, तो इसके लिए मैंने लाइन बताई थी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम पे कर रहे हैं किसके ऊपर पे कर रहे हैं, तो हम जब डिबेंचर का रिडेम्पशन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं। ये हमारा एक लॉस है 4500 का। अब आप डेबिट और क्रेडिट को चेक करें कि दोनों मैच होगा। बोले हाँ सर हो रहा है। बस यही इंपॉर्टेंट है बेटा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके जिसमें आपको फ्यूचर में क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। और अगर लॉस हो रहा होगा तो आपको एट प्रेजेंट में उसको दिखाना पड़ेगा, भूलना मत। सर थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब देखो बहुत सिंपल सा है, कितने रुपए के डिबेंचर, 80,000 के डिबेंचर। अब जो 80,000 रुपीज के डिबेंचर है बेटा, इसका मतलब ये 80,000 डिबेंचर नहीं है, ये 80,000 रुपीज के डिबेंचर। बोले हाँ सर बिल्कुल है। अब आप खुद ही सोचिए कि 80,000 रुपीज के अगर डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू आपको 100 रुपीज दे रखी है, बोले हाँ सर दे रखी है, तो मतलब हम कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, 80,000 डिवाइड बाय 100 कर लो आप, तो आपको पता चलेगा हम कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, 800 डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। बोले हाँ सर। और जो 100 रुपीज ईच है वो एट पार पे कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा, 80,000 के जो डिबेंचर है वो हम पार पे इश्यू कर रहे हैं, मतलब 80,000 में इश्यू कर रहे हैं, मतलब हम कोई प्रीमियम वगैरह नहीं ले रहे हैं। लेकिन ध्यान ये रखना बेटा कि जो रीपेबल होने वाले हैं वो प्रीमियम पे होने वाले हैं। बोले हाँ सर, बस ये तो हम ध्यान रख लेंगे। अरे आया क्या समझ में, कर लोगे क्या क्वेश्चन ये बेटा? अगर आप बोलते हैं तो मैं करवा देता हूँ बेटा। बाकी बच्चों को अगर लगता है कि सर ये पार पे इश्यू का तो क्या रहेगा बेटा, कुछ भी नहीं रहेगा। जब आप बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट करोगे तो 80,000 रुपीज ही रिसीव होगा, क्योंकि प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो रहा है। बोले हाँ सर। फिर सेकंड एंट्री में हम क्या करेंगे, सेकंड एंट्री में ध्यान रखना कि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट में पूरा का पूरा 80 सेटल हो जाएगा, ना तो प्रीमियम आएगा ना डिस्काउंट आएगा, लेकिन फ्यूचर में 10% का लॉस होने वाला है। सर 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000 रुपीज, क्या फ्यूचर में लॉस होने वाला है? हाँ सर होने वाला है। क्या लिखेंगे बीच में आप, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और नीचे लिखना पड़ेगा उसका टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 8,000 रुपीज से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन 20 समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन बच्चे ने और बच्चे अक्षिता ने और पूछा था, 36 वाला, मेरी स्क्रीन पर तो नहीं है लेकिन आप पहले अक्षिता चेक कर दीजिए कि क्या 36 वाला आप कर पाओगे, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाओ, आपको कुछ लगता है कि सर उसकी लैंग्वेज अलग है, तो आप बोल के फटाफट से बताएंगे, मैं आपको करवा देता हूँ अभी। इससे वापस बोलिए कितने डिबेंचर, केन लिमिटेड से कोई मतलब नहीं, आप बोलिए कितने डिबेंचर है वो बता दीजिए। 50,000 ये है 50,000 डिबेंचर बेटा, और 10 रुपीज ईच है। चलिए ठीक है, और बोलिए दूसरा, बोलिए और आगे क्या पॉइंट है बेटा। देखिए क्वेश्चन है,
केयर कॉस्मेटिक लिमिटेड इश्यूड 50,009% डिबेंचर ऑफ 10 ईच एट 1 अप्रैल 2020 इन रिन्यूएबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 10 ईयर. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इश्यू 4% 4 रुपीज पेबल ऑन एप्लीकेशन बैलेंस ऑन द अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर रिकॉर्ड द नेसेसरी. ठीक है बेटा, अभी बता दो. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है नई बुक से क्वेश्चन है, मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं था, मैं आपको करवा देता हूँ. है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खाली कुछ भी नहीं है बेटा. अगर आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको इस डिबेंचर की, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये 10 रुपीज वाला डिबेंचर. बोले हाँ सर. मतलब इसकी जो फेस वैल्यू है बेटा वो 10 रुपीज है. बोले हाँ सर. लेकिन उसके बाद में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ये इश्यू कैसे हो रहा है. सीधा लिखा हुआ है कि हमने जो 10 रुपीज ईच वाले क्या किए, डिबेंचर इश्यू किए, और जो कि रिडेम्पशन होने वाला है वो प्रीमियम पे होने वाला है 10%, वो भी 10 साल के बाद में. ये जरूर लिखा हुआ है. लेकिन हम जो इश्यू कर रहे हैं बेटा, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि वो प्रीमियम पे हो रहा है कि पार पे हो रहा है. तो इसका मतलब आप सोचिए कि इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 10 ही रहेगी. और इश्यू भी कितने में करेंगे, 10 में करेंगे. अगर आप लोगों के पास बुक्स हो गई तो आपको भी दिख रहा होगा वो क्वेश्चन. अरे बेटा ये आपको अच्छी तरह समझ में आया कि मतलब यहाँ पर ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि इश्यू जो कर रहे हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं. आई बस में क्या, तो मतलब मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है. सर फेस वैल्यू तो 10 है. सर जो आप इश्यू कर रहे हैं वो कितने में कर रहे हैं, अरे इश्यू भी मैं 10 में ही कर रहा हूं. लेकिन जो रिडेम्पशन जो करने वाला हो वो प्रीमियम पे होने वाला है, यही तो इंपॉर्टेंट है बेटा. अरे अगर इश्यू प्रीमियम पे होता है तो वो कोई समस्या नहीं है. रिडेम्पशन क्या हो रहा है बेटा, 10% प्रीमियम पे हो रहा है. बोले हाँ सर. तो सर कितने में हो रहा होगा, अरे जो 10 रुपीज का डिबेंचर है अगर वो 10% प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा तो आप ही बता दीजिए कि वो कितने में रिडेम्पशन होगा. अरे 11 रुपीज में होगा क्या बेटा, 10 का 10% 1 रुपीज होता है, सबको पता होना चाहिए. 10 का 10% कितना होता है बेटा, 1 रुपीज. तो मतलब जो रिडेम्पशन होने वाला है वो कितने में होने वाला है. सर रिडेम्पशन जो होने वाला है वो 11 में होने वाला है. क्या फ्यूचर में लॉस है कि नहीं है. अरे 1 रुपए का लॉस है, वो भी एक डिबेंचर के ऊपर. तो हम कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, ये रुपीज नहीं है बेटा, ये 50,000 डिबेंचर है. तो हमें पता करना होगा कि 50,000 पे कितना लॉस होगा. तो सर 50,000 का लॉस होगा. लेकिन इस क्वेश्चन में सर चेंज क्या आया वो बताइए सर. ये जो अक्षिता ने पूछा इसमें चेंज क्या है, चेंज ये है बेटा कि कभी कभार तो क्या होता है, हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो लमसम पढ़ रहे थे. बोले हाँ सर. लमसम में क्या होता था कि जो इसकी इश्यू प्राइस है, मतलब ये जो 10 रुपीज है, ये पूरे के पूरे हमें किस पे लेने थे, एप्लीकेशन मनी पे लेने थे. इनमें इन्होंने इंस्टॉलमेंट दे दी तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज. सर क्या इंस्टॉलमेंट दी बताइए ना. अरे इंस्टॉलमेंट ये बताई है बेटा कि आपको क्या करना है कि जो एप्लीकेशन मनी पे पैसा लेना है, जो हमें एप्लीकेशन मनी पे पैसा लेना है वो लेना है. एक सेकेंड बेटा, 4 रुपीज पेबल ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज लेना है. एंड द बैलेंस ऑन द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, मतलब ये बोल रहा है कि 4 रुपीज एप्लीकेशन में ले लीजिए और रिमेनिंग जो है बेटा वो अलॉटमेंट मनी पे ले लीजिए. तो रिमेनिंग कितना होगा बोल के बता सकता है क्या कोई बच्चा. अरे रिमेनिंग पैसा हम कितना लेंगे उन लोगों से बेटा. अरे ये पता होना चाहिए कि अपन अगर लमसम लेते हैं तो भी उतने ही ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी लेके तो भी उतने ही ले सकते हैं. मैं आपको एक क्वेश्चन और एग्जांपल समझाता हूँ. जैसे मान लीजिए किसी की फेस वैल्यू है 100, उसको अपन 90 डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं, 10% डिस्काउंट पे. तो उसका 10% डिस्काउंट मतलब हम 90 में इश्यू कर रहे हैं. एक एग्जांपल देता हूँ खाली कि अगर आप इसको लमसम लीजिए तो लमसम लोगे तो भी उससे पूरा का पूरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने रुपए ले सकते हैं, जितने में आप इश्यू कर रहे हैं 90 रुपीज ही ले सकते हैं. अब किसी क्वेश्चन में आ गया कि हम इसको लमसम ना लेके इंस्टॉलमेंट में ले, हम बोला कि 40 रुपीज तो ले रहे हैं एप्लीकेशन पे और रिमेनिंग बताइए हम कितना लेंगे अलॉटमेंट पे, तो क्या बच्चा 50 बता सकता है या 60 बताएगा. अरे 60 नहीं बता सकता, 50 ही बताएगा, क्योंकि हम 90 ही मैक्सिमम ले सकते हैं. मैक्सिमम 90 का मतलब ये है कि हम इसको इश्यू कितने में कर रहे हैं. सर इश्यू तो 90 में कर रहे हैं, 40 तो आपने एप्लीकेशन पे ले लिया और 50 जो होगा वो हम किस पे ले सकते हैं, अलॉटमेंट पे ले सकते हैं. मेरे कहने का मतलब लमसम हो कि इंस्टॉलमेंट हो बेटा, हम कैसे भी करके हम उसका निकाल सकते हैं बेटा. आप किसी भी तरह से आप उसकी एंट्री कर सकते हैं. देखो कैसे करेगा बताइए. अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले जब आप एंट्री करते तो एक ही करनी पड़ती थी, केवल एप्लीकेशन मनी रिसीव की और एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में मतलब डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की. सर ये तो हमने पहले भी की है. हाँ तो यहां क्या करना है, अरे यहाँ अलॉटमेंट ड्यू भी करना है और अलॉटमेंट रिसीव भी करना है बस. बोले अच्छा अच्छा समझ में आ गया सर. अब देखना मैं इसकी एंट्री करके बता दो तब आपको पता चलेगा. देखिए बेटा थोड़ा सा ध्यान तो रखना है. ध्यान क्या रखना वो देखो, आप पहली एंट्री में करूंगा
बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं लिखूंगा। टू डिबेंचर एप्लीकेशन ही क्यों लिखेंगे सर आप? बेटा अलॉटमेंट अलग है, ये इसमें अलॉटमेंट इंक्लूड नहीं है। फिगर कैसे निकालते हैं बेटा? सर एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। हाँ तो सर एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी से फिगर तो निकाल देंगे, लेकिन एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? जितने हमने डिबेंचर इश्यू किए होंगे उतनी ही एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी सर, 50,000। और मल्टीपल बाय कोई बच्चा बता सकता है कि एप्लीकेशन मनी क्या इस बार डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं क्या? अरे नहीं लिख सकते बेटा, इसकी दो हिस्सों में बना दी हमने, एक तो बना दिए 4 और अलर्ट बना दिया 6। तो हमारी एप्लीकेशन मनी कितनी है बेटा? 4 है। 50,000 मल्टीपल 4 इज इक्वल टू सर 2 लाख। और ये जो एप्लीकेशन मनी है जिसको मैं डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, बहुत सिंपल से एंट्री देखो आप, उसमें कुछ भी नहीं करना है सर। ये फ्यूचर का लॉस नहीं बेटा, यहां नहीं। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज और टू डिबेंचर अकाउंट। क्या डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू जाती है? बोले हाँ सर। तो सर डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू जाती है तो ये 2 लाख तो फेस वैल्यू तो है, कहाँ इसमें प्रीमियम इंक्लूड है? क्या 2 लाख में कोई प्रीमियम इंक्लूड है क्या? क्या 2 लाख में कोई डिस्काउंट दे रखा है क्या? नहीं सर, ये तो पूरी की पूरी फेस वैल्यू है सर। वो लॉस वॉस क्या हुआ आपका? अरे बेटा इस सिचुएशन में लॉस यहाँ नहीं दिखाना होता है, तो कहाँ दिखाना होता है सर? थर्ड एंट्री करता हूँ बेटा। थर्ड एंट्री मैं करूंगा बेटा अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो मैंने आपको सिखा रखी है कि जिसको ड्यू करना होता है उसको डेबिट करिए। मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर किसी को स्क्रीन पर नहीं दिखता है तो मैं एक लाइन को दो दो बार इसीलिए बोलता हूं ताकि बच्चा सुन सके अच्छे से। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर अकाउंट। सर ये तो आपने बताया था, लेकिन प्रीमियम? अरे अलॉटमेंट पे कहाँ प्रीमियम है बेटा? जो इश्यू कर रहे हैं वो हम ना तो प्रीमियम पे कर रहे हैं ना डिस्काउंट पे कर रहे हैं, फेस वैल्यू पे कर रहे हैं। तो टू डिबेंचर अकाउंट बिल्कुल सही है सर। तो कितना आएगा सर बताइए? अरे डिबेंचर कितने हैं सर? 50,000 इश्यू कर रहे हैं सर। डिबेंचर के ऊपर अलॉटमेंट कितना रुपए ड्यू करना है सर? 6 रुपीज ड्यू करना है। हमने कितने ड्यू किए टोटल सर? 3 लाख रुपीज ड्यू किए। बोला अच्छा अच्छा सर, तो यह तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे यहां दिक्कत है बेटा, ये जो फ्यूचर का लॉस होता है बेटा वो आपको यहां दिखाना चाहिए। ये जो फ्यूचर का लॉस है बेटा वो अलॉटमेंट पे दिखाना चाहिए। इससे क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। बोले अच्छा अच्छा ये है क्या सर? मतलब आपको क्या सिखाना चाहता हूं कि जब भी आपको फ्यूचर में कोई लॉस हो, तो फ्यूचर में जब लॉस होता है तो फ्यूचर में लॉस आप ये ध्यान रखिए कि वो डिबेंचर का अलॉटमेंट करते समय दिखाना है। बच्चों को केवल यही कंफ्यूजन था कि सर एंट्री में एप्लीकेशन मनी भी है और अलॉटमेंट मनी भी है, तो वो लॉस किसके साथ दिखाए? हम एप्लीकेशन के साथ में दिखाए या डिबेंचर का अलॉटमेंट करते टाइम दिखाए? तो मेरा आंसर ये रहेगा कि जब भी आपको डिबेंचर एप्लीकेशन मनी दे रखा हो, अलॉटमेंट मनी दे रखा हो, चाहे फर्स्ट कॉल दे रखा हो चाहे सेकंड कॉल दे रहा हो, फ्यूचर का लॉस हमेशा डिबेंचर को अलॉट करते समय ही दिखाएंगे। मैं इस एंट्री को वापस से थोड़ी चेंज कर रहा हूं, आपको इसका रीजन समझ में आया क्या बेटा? क्योंकि फ्यूचर में अब आपको 1 रुपए का लॉस होने वाला है कि नहीं होने वाला है? बोले सर लॉस तो होने वाला है। तो वो लॉस हमें डिबेंचर का अलॉटमेंट करते समय दिखाना था, दिखाना सबको आता है, लेकिन कहाँ दिखाना था शायद मेरे को लगता है वो आपको समझ में नहीं आया था। कहाँ दिखाना है सर? अरे ये यहीं पर दिखाना, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ तो वापस वही लिखूंगा टू डिबेंचर अकाउंट, ये लिखा टू डिबेंचर अकाउंट, ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया। कितने रुपए से हो गया? 3 लाख से। लेकिन यहां पर एक बीच में एक और लाइन डालनी है बेटा, वो लाइन केवल ये डालनी है कि हमें लॉस भी होगा, वो फ्यूचर में होगा लेकिन दिखाना भी है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सर कितने रुपए का लॉस होगा? अरे वो आप भी बता सकते हैं बेटा कि अगर एक डिबेंचर के ऊपर अगर 1 रुपए का लॉस होगा तो फ्यूचर में हमें कितने डिबेंचर का रिडेम्पशन करना पड़ेगा? सर 50,000 का करना पड़ेगा, तो हमें टोटल 50,000 का लॉस होगा। ये लॉस है बेटा किसके ऊपर है? तो यहां नीचे लिखना पड़ता है टू प्रीमियम ऑन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000। बोले आ गया सर समझ में बेटा, अब आपको समझ में आया कि सर फोर्थ एंट्री क्या होगी? फोर्थ एंट्री रिसीव कर देना, कोई समस्या नहीं आएगी। मैं करके बताता तो हूं आपको, अलॉटमेंट को रिसीव करेगी, अलॉटमेंट कितना ड्यू किया? 3 लाख रिसीव हो जाएगा। बैंक को कर देना डेबिट, कितने से? 3 लाख से। और किसको क्रेडिट कर देना? तो सर टू डिबेंचर अलॉटमेंट 3 लाख रुपीज से। बस बस खत्म, बस यही ध्यान रखना है बेटा कि जब डिबेंचर का अलॉटमेंट होता है तब तो आपको लॉस को दिखाना पड़ता है। अरे आया कुछ समय क्या बेटा? सभी को, एक बच्चे को नहीं, सभी को आया क्या समय? पॉइंट है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो डायरेक्ट 3 टू 4 मार्क्स के आएंगे और 4 मार्क्स के गलत नहीं होने चाहिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ बेटा।
चलिए हम आगे वाले टॉपिक को समझते हैं। आज मेरा टॉपिक था वो ये नहीं था बेटा, मेरे को पढ़ाना था, छोटा सा ही टॉपिक है। देखो मैं आपको टॉपिक एक बार दिखा भी देता हूँ, 5 मिनट बचे हैं या अपनी क्लास में 10 मिनट बचे हैं भले, अगर तो वो आपको टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा ताकि आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकें। देखो बेटा टॉपिक क्या था, हम इश्यू ऑफ डिबेंचर हमने पढ़ लिया एक बार, अदर देन कैश में आपको कल पढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा अच्छा और बड़ा टॉपिक है। अदर देन कैश में बहुत सारे टॉपिक है, और कॉलेटरल सिक्योरिटी भी मैं एक दिन ही अलग से ही पढ़ाऊंगा। ये दोनों टॉपिक मैं आपको एक दिन में पढ़ा दूंगा या फिर अलग अलग दिन पढ़ा देंगे। बोले ठीक है सर। तो इसका मतलब सर अभी आपने क्या पढ़ा दिया बेटा, ये देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन जो है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है और इसके क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। बोले हाँ सर। अब आपको क्या करना है बेटा, एक नया टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो आप अगर अपने सिलेबस को निकालेंगे बेटा, मेरे पास अभी सिलेबस स्क्रीन पे तो नहीं है, मोबाइल में तो है मेरे पास, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कभी। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में आपकी बुक्स के अंदर बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का ट्रीटमेंट तो दे रखा है, साथ में एक पॉइंट दे रखा होगा टीडीएस, जिसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बोले अच्छा सर, इसका भी ट्रीटमेंट दे रखा हो सकता है, लेकिन आप इस बार का सिलेबस अगर आप चेक करेंगे, इस बार मतलब ये जो 2021 एंड 22 का सिलेबस चेक करेंगे, तो आपको मिलेगा कि ये टीडीएस लिखा हुआ आएगा और वहां लिखा आएगा एक्सक्लूडिंग टीडीएस, मतलब टीडीएस का आपको ट्रीटमेंट नहीं पढ़ना है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। किसके अंदर लिखा हुआ सर, वो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। बोले अच्छा सर, तो अभी आप हमें क्या पढ़ाएंगे, अभी हम आपको एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक समझाते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है बेटा, कुछ भी नहीं है। अगर मैं मान लीजिए मेरा टॉपिक है उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, देखना आप क्या होता क्या है, कितना छोटा टॉपिक है वो, आप आगे भी टॉपिक जो बचे इतने छोटे छोटे बचे हैं, मेन मेन टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिए हैं, खाली एक अदर देन कैश और कॉलेटरल सिक्योरिटी को मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद में खत्म है। देखो ये सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक क्या है बेटा, हम जो पब्लिक को डिबेंचर इश्यू करते हैं, हम जो पब्लिक को डिबेंचर इश्यू करते हैं, तो उसके बदले में अगर उनको कुछ कंसिडरेशन नहीं मिलेगा तो वो हमें पैसा देंगे क्या? अरे डिबेंचर इश्यू करने का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया कि कुछ पब्लिक से लोन लिया है, मतलब पब्लिक से कुछ उधार लिया है। बोला हाँ सर बताया था आपने, तो पब्लिक से जब हमने लोन लिया है तो लोन के अगेंस्ट हमें कुछ पे करना पड़ेगा, हमको क्या पे करना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अभी बता दो कैसे इंटरेस्ट पे होता है, बहुत सारे बच्चे ने क्लास भी लेफ्ट कर दी है, मेरे को ऐसा लगता है 2-3 बच्चे तो चले गए, उनको लगता है कि आज का क्लास यही खत्म हो गई है, उनको ये नहीं पता कि आज की क्लास तो अभी शुरू हुई है। चलिए देखते हैं सर, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है उसका आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहां मिलेगा वो पहले पता होना चाहिए। जिस क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, ये सब क्या है बेटा, ये सब इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये पहले पता होना चाहिए। डिबेंचर के जस्ट आगे ही आपको दी मिलेगी, अलग से कहीं नहीं मिलेगी। बोले ठीक है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री क्या होती है, तो मैं आपको एंट्री करके बताता हूं बेटा, एंट्री मैं आपको करके बताता हूं। देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मान लीजिए ये कंपनी है और ये डिबेंचर होल्डर है, अब कंपनी ये है और कंपनी का ये डिबेंचर होल्डर है, कंपनी ने इससे क्या लिया, लोन लिया, कंपनी ने इससे क्या लिया, लोन लिया, तो कंपनी इसको क्या पे करेगी सर, कंपनी इसको इंटरेस्ट पे करेगी। बोले हाँ सर। तो अगर कंपनी इसको इंटरेस्ट पे करेगी बेटा, तो मैं आपसे लोन लेने की एंट्री नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंटरेस्ट पे करने की एंट्री, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि कंपनी जो इस डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी, क्या वो कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर है, क्या वो इनकम है, ये बताइए मेरे को आप खाली। कंपनी इस डिबेंचर होल्डर को बेटा, पंकज ने कुछ बताया है, पंकज ने बताया है डेबिट करेगी, नहीं बैंक तो डेबिट करेगी, लेकिन एक्सपेंडिचर है कि नहीं है बेटा, होल्डर है। कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से क्या लिया सर, लोन लिया। मैं ये एंट्री नहीं पूछ रहा हूं, डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री नहीं पूछ रहा हूं, मैंने बोला कि कभी ना कभी इनको कुछ कंसिडरेशन में इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, तो पे कौन करेगी सर, कंपनी करेगी, किसको पे करेगी सर, डिबेंचर होल्डर को पे करेगी, इंटरेस्ट जो पे कर रही है कंपनी, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। बोले हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, ये खर्चा है सर, खर्चे हमेशा क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं। तो मैं आपको एंट्री करके बताता हूं, इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और किसको देना है सर, ये किसको देना है, तो डिबेंचर होल्डर को देना है बेटा, टू डिबेंचर होल्डर। बोले समझे नहीं सर, मैं आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मैंने परचेज किया,
और वो भी उधार में परचेज किया, रौनक से परचेज किया। मान लीजिए अपने क्या क्लास के अंदर मैंने कुछ गुड्स परचेज किया और जो गुड्स परचेज किया वो किससे परचेज किया, तो रौनक से परचेज किया। बोला अच्छा, और रौनक से परचेज किया वो उधार में किया है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब मैं परचेज करूंगा तो मैं परचेज को डेबिट करूंगा। बोले क्यों सर? क्योंकि परचेज मेरा एक्सपेंडिचर है बेटा। अरे परचेज मेरा क्या है? एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर सारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी आपका क्या था? एक्सपेंडिचर था, आपने उसको भी डेबिट किया। मैं नीचे लिखता हूं यहां पर टू रौनक। बोले क्यों सर? अरे मेरे को पेमेंट किसको करना पड़ेगा बेटा? अरे मैंने जिससे उधार माल खरीदा है उसी को तो पेमेंट करना पड़ेगा। बोले हाँ सर, तो मेरे को किसको पे करना है? रौनक को पे करना है, इसलिए मैंने रौनक को क्रेडिट किया। मैं यहां पर क्या समझा रहा हूँ वो सुना, मैं यहां पर ये सुना समझा रहा हूँ कि मेरे को जो ये इंटरेस्ट पे करना है बेटा वो किसको करना है? तो सर डिबेंचर होल्डर को करना है। तो सर ये डिबेंचर होल्डर के लिए क्या लिखेंगे? तो आप उनके नाम तो पता नहीं है कि आपने रौनक से ले रखा है कि आपने किससे ले रखा है, तो आपने लिख दिया टू डिबेंचर होल्डर। ये कौन सी सिचुएशन है बेटा? ये अगर हमारा टीडीएस कंपनी डिडक्ट नहीं करती, तो टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड। सर ये क्या होता है टीडीएस, अभी बता देता हूं, आप चिंता मत करिए। इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, अगर कंपनी टीडीएस डिडक्ट नहीं करती तो बेटा सीधी सी एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है सर, और सेकेंड एंट्री क्या होगी? ये फर्स्ट एंट्री है, सेकेंड एंट्री क्या होगी बेटा? डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की, ये एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू बैंक, बस खत्म हो गया। ये टॉपिक जो था हमारा, जो आपके एग्जाम में अगर आ सकता है तो कभी कभार दो या तीन नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, दो ही एंट्री बेटा। और बताइए आप, खत्म भी हो गया टॉपिक, इतना सा टॉपिक था। और आपके मैंने बोला कि इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, आपके इस बार सिलेबस में यही है। सर क्या आप टीडीएस वाला ही बताएंगे क्या? मैं आपको केवल एक एंट्री बता देता हूं, आएगा नहीं, ये आपको ही पता है, मेरे को ही पता है बेटा। ये जो मैंने पहले क्या किया था, इंटरेस्ट को ड्यू किया, इंटरेस्ट को डेबिट किया और डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया, फिर डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया। बोले हाँ सर, बहुत इजी है। सर फिगर कैसे निकालेंगे? मैं आपको बता देता हूं बेटा, हमेशा जो फिगर निकलता है वो कैसे निकलता है कि जो डिबेंचर की फेस वैल्यू होती है, डिबेंचर की क्या होती है? फेस वैल्यू। डिबेंचर की जो फेस वैल्यू होगी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, फेस वैल्यू पे, ये आप ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए सर कंपनी ने 1000 डिबेंचर इश्यू किए और एक डिबेंचर था उसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज, फेस वैल्यू कितनी थी 100 रुपीज, और आपने जो इश्यू किए हैं वो आपने इश्यू किए 10% डिस्काउंट पे, मतलब इश्यू किए मान लीजिए 90 के अंदर, तो सर आपके पास पैसे कितना आए लोगों से? तो 1000 × 90, मैंने लोगों से कितने पैसे लिए सर? 90,000 लिए। अब मान लीजिए आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो बेटा बच्चे सोचते हैं कि सर इंटरेस्ट हम 90,000 पे कर दे क्या? नहीं चलेगा बेटा। क्यों नहीं चलेगा सर? अरे हमें डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे करना है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर फेस वैल्यू, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। सर ये डिबेंचर मान लीजिए अगर 110 में इश्यू हुए होते हैं तो आपके पास पैसे कितने आए होते हैं? तो मेरे पास पैसे कितने आए होते? 1,10,000 आए होते। बोले हाँ सर। तो फिर आप जब इंटरेस्ट पे करते तो क्या 1,10,000 पे करते? अरे मैंने बोला है बेटा कि आपको इंटरेस्ट जो पे करना है वो हमेशा किस पे करना है? फेस वैल्यू पे करना है। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया सर, मतलब आप हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू निकालो, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करो। सर इंटरेस्ट की रेट कहां से आएगी ये बताए आपको? जितने परसेंट डिबेंचर होगे उतने परसेंट। अरे आया कुछ समय ये दोनों एंट्री बेटा, लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर। दूसरा, अगर सर टीडीएस होता तो बेटा चेंज क्या होता वो देख लीजिए। अगर टीडीएस होता तो क्या होता? देखो कुछ भी चेंज नहीं होता बेटा, एंट्री में कोई चेंज नहीं। सबसे पहले वही एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट होगा। क्यों होगा ये भी रीजन आपको मैंने बता दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये मैंने आपको बता दिया क्यों डेबिट होगा। बोले हाँ सर। और टू मैंने बोला बेटा डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर, बोला है कि नहीं बोला है? बोले हाँ सर बोला है अभी जस्ट। बेटा इसमें केवल टीडीएस का मतलब यहां पर ये है कि अगर आपका जैसे मान लीजिए कोई डिबेंचर थे 5 लाख के फेस वैल्यू के, कितने के थे, और उसके ऊपर मान लीजिए आपके जो डिबेंचर की जो इंटरेस्ट की रेट थी वो मान लीजिए थी 12%, तो आपने 5 लाख का 12% निकाला होगा। बोले हाँ सर। तो वो कितना आया सर? वो तो आया 60,000। तो आपने यहां पर कितना लिखा बेटा? 60,000। अगर टीडीएस नहीं काटते हो बेटा तब तो इसको पूरा का पूरा 60 दे दो। ये कब होता? जब आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं। कंपनी कभी कभार बोलती है कि हम आपको पूरा पैसा नहीं देंगे, हम आपका टैक्स काट के पेमेंट करेंगे, और उसकी भी रेट दी हुई आएगी। मान लीजिए जो टीडीएस है वो मान लीजिए 10% है। बोले हाँ सर। तो कितना होता? जो 60,000 है उसका सीधा 10% निकालना आपको, वो 6,000 होता। मतलब कंपनी क्या करेगी, 6,000 का टीडीएस काटेगी। तो सर डिबेंचर होल्डर को कितना देगी? वो तो आप भी समझदार है।
अरे बाकी 6,000 का अगर टीडीएस काटनी है तो कंपनी उस डिबेंचर होल्डर को 54 तो देगी, बोला हाँ से देगी, और टू टीडीएस अलग से भरा जाएगा, वो आ जाएगा 6,000। बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इंटरेस्ट डायरेक्ट देना होता तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 60,000 और टू डिबेंचर होल्डर 60,000 अगर टीडीएस नहीं काटना है। और टीडीएस काटना है तो जितना इंटरेस्ट है उसका आप टीडीएस निकाल दीजिए और वो टीडीएस काट के आप बाकी क्या कर दीजिए, डिबेंचर होल्डर को पे कर दीजिए। सर सेकंड एंट्री, डिबेंचर होल्डर डेबिट करिए, आप डिबेंचर होल्डर को क्या करिए डेबिट करिए, टीडीएस को भी क्या करिए बेटा डेबिट करिए, टीडीएस गवर्नमेंट को पे होता है और डिबेंचर होल्डर को 54 देना है, और टू बैंक करेंगे बेटा ये 54,000, 6,000 एंड 60,000। कंपनी के लिए खर्चा बेटा 60 का 60 ही है, ये मत सोचना कि 10% टीडीएस काटेगी तो कंपनी को पैसा कम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पहले कंपनी क्या करती थी, 60,000 पूरा का पूरा डिबेंचर होल्डर को देती थी, अब कंपनी क्या कर रही है 60,000 का जो इंटरेस्ट है उसमें से 10% तो क्या कर रही है गवर्नमेंट को टीडीएस पे कर रही है, और रिमेनिंग है वो क्या कर रही है डिबेंचर होल्डर को दे रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज हमारी क्लास सुन में आई होगी, और आज मेरा नया टॉपिक क्या था बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक था। आपकी बुक में अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के टॉपिक के क्वेश्चन है तो आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, घर पे प्रैक्टिस करिए बेटा।